अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब लोग भी ठीक हैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम माई साइड। आज है जी सैटरडे और शारिक के स्कूल में है पार्टी, और उकाशा जो है वो भी बाजिद है कि उसने भी जाना है पार्टी में। तो पार्टी में ये वाले ड्रेसेस पहन के जाएंगे। ये शूज़ आपके अम्मी के घर है ना, जाते हुए पहन लेना। नाश्ता मैंने बना लिया, दोनों बच्चों को दूध दे दिया, टिफ़िन मैंने बंद कर दिया क्योंकि उकाशा जो है वो भी शारिक के साथ ही जाना चाह रहा है, इसलिए मैंने दोनों बच्चों का लंच एक ही टिफ़िन में पैक कर दिया। एक बच्चा जलीड पराठा और दूसरा ब्रेड अंडा। बाबा का नाश्ता मैंने बना दिया, अपनी चाय मैंने ये रखी हुई, नाश्ता मैंने कर लिया। अपनी चाय मैं अभी कप में डालूँगी, ठंडी की है मैंने, ताकि मैं जल्दी पी सकूँ। ओप्स, बाहर आने लगे इसके बबल्स। पापा का नाश्ता मैंने हॉटपॉट में रख दिया है, वो बाद में खाएंगे। बस ये चाय की जाएगी ये धोने वाली, बाकी तो सब कुछ डालना है। मेरी बबल्स वाली चाय। अच्छा जी, जल्दी से जो बच्चा मुंह किस किसने धो लिया है? मुंह धो लिए, ब्रश किया, आपने ब्रश किया? चलो जल्दी से, बच्चों ने पार्टी में जाना है, मैंने तो बस वैसे ही जाना है, तो मैं बस सिंपल घर के कपड़े पहनूंगी। मैंने अपने स्कूल जाना है, मैंने फ़ोन किया है कि मैं थोड़ा सा लेट आऊँगी क्योंकि मैंने इन्हें छोड़ के आना है। शारिक को केक लेके देना है रस्ते से। मैं पहनूंगी आज ये वाला एम्ब्रॉयडरी ड्रेस और ये इसका ट्राउज़र है, सिंपल ट्राउज़र है बस। अभी मैं चेंज कर लूँगी जल्दी से ताकि मैं लेट ना हूँ। ये तो चेक करवाओ, शारिक ने फिनिश कर लिया। शाबाश, मुँह साफ करो शारिक। बादशाह आपने फिनिश नहीं किया, आधा पिया आपने। काशा बस थोड़ा सा पी के बस कर देते सब वॉश किए थे मैंने कपड़े रात को, वो मैंने अभी यहाँ पे रखे, जाते हुए इनको स्प्रेड कर दूँगी ताकि सूख गए आने तक। कल मैंने सारे घर की सफाई की थी, कंप्लीट नीट क्लीन कर दिया था पूरे घर को। सारे यही वाले शूज़ पहन के आप चलो ना मम्मी के घर। इतना ज़्यादा लोशन क्यों लेके आए हो? इतना ज़्यादा क्यों लिया आपने लोशन? देखो ना कितना वेस्ट कर रहे हो आप। हम पिटाई होगी पापा से। तैयार हो गया तो आप मम्मी के घर क्यों शूज़ छोड़ के आते हो अपने? काशा आप दिखाओ। हाँ आप अच्छे लग रहे हो, चलो रेडी हो गए हो। इधर मेरी पापा ने क्या समझाया स्कूल में क्या नहीं करना? रोना काम नहीं करना पड़ेगा, रोना करिएगा वो खा लेना, जो पापा केक देंगे वो भी खा लेना है, तंग नहीं करना, रोना नहीं है, और बड़े भाई को भी तंग नहीं करना। आज तो बैग ही नहीं लेके जाना, आज तो बैग ही नहीं लेके जाना, इसलिए जा रहा है ये, बड़ा चलाक है। नहीं बुरी बात, पार्टी में क्या क्या होने वाला है और कल कौन सी बात आप कह रहे थे? अभी तो पार्टी ये किसने बताया आपको? ये किसने बताया था? हाँ चलो जी, मैं आप रेडी हो जाऊँ फिर निकलते हैं। हम लोग आए हैं जी हाफी स्वीट्स एंड बेकर, बच्चों को केक लेके देंगे और फिर जाएंगे इनके स्कूल। और इस टाइम 8 बज चुके थे कि और मैं बहुत लेट हो चुकी थी क्योंकि उनका टाइम 8:30 का था और मुझे उन्हें छोड़ना था, तो मैं सोचती थी मैं 8 बजे छोड़ दूँ क्योंकि मुझे टाइम भी जाना होता है। तो मैंने कॉल कर दी हुई थी ऑलरेडी कि मैं आज थोड़ा सा लेट आऊँगी, ठीक है, मैंने परमिशन ले ली थी थोड़ा सा लेट आने की। तो बच्चों को बस स्कूल की पार्टी में छोड़ते हैं और देखते हैं स्कूल की पार्टी जो है ना वो कैसी चल रही है, और फिर जाते हैं अपनी ड्यूटी पे।
यहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो थी अभी फ़्रेश आ रही थी बनके बेकरी में, और मोस्टली जो चीज़ें थी वो स्कैटर्ड ही थी क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था। सारे रैक उन्होंने खाली किए थे, आई थिंक ये जो ऊपर पड़े हुए ये कल रात के बचे हुए थे या जो भी। तो बस अभी हम लोग स्कूल पहुँच गए हैं और सारी काफ़ी कंप्लेन हो गई है स्कूल से कि स्कूल में डेकोरेशन नहीं हुई हुई कि लो जी स्कूल में कोई सजावट तो हुई नहीं है आपके। इधर आओ पहले ऑफिस में चलो, मुझे लेट हो रहा है, मेरे स्कूल जाना, जल्दी आ जाओ। शहरी को अपने स्कूल से कंप्लेन आते ही हो गई है कि सजावट नहीं की। रिसेप्शन से पता चला है कि बैकग्राउंड में फंक्शन हो रहा है, तो अभी हम लोग जाएंगे बैकग्राउंड में। देखा टीचर ने बताया है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यहाँ से जाना है या उधर से जाना है? पार्टी हो रही है, आ रही है सजावट, तो जल्दी आओ ना, काफ़ी स्पीड से आओ, आगे आओ मेरे आगे हो। ये देखो वाह, ये तो गाने में लगे हुए हैं। शारिक भाई को तो लो, शारिक अपने भाई को लो, हाथ पकड़ो इसका। ये था जी स्टेज डेकोरेशन और इट वाज रियली गुड, बहुत ही सिंपल और अच्छे तरीके से डेकोर किया गया था। बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया, मॉडलिंग शो में पार्टिसिपेट किया शारिक और उकाशा दोनों ने ही। उकाशा तो ऐसे लग रहा था जैसे हमेशा से वहाँ जाता है, ही वाज़ वेरी हैप्पी। और बिल्कुल भी मुझे कोई कॉल नहीं आई स्कूल से कि ये तंग कर रहा है, तो इसका मतलब है उकाशा भी एडमिशन ले सकता है अब। और शारिक को तो हमेशा से ही फंक्शंस में पार्टिसिपेट करने का शौक़ है, और ये सारी चीज़ें शारिक के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हैं, तो वो तो हमेशा ही खुश रहता है इन सब चीज़ों में। बच्चों ने और भी बहुत सारे गेम्स खेली, टीचर्स ने काफ़ी अच्छे तरीके से बच्चों को पार्टिसिपेट करवाया, बहुत ही एफर्ट होती है टीचर्स की। छोटे छोटे बच्चों को पार्टिसिपेट करवाना बहुत मुश्किल होता है, और उनको समझाना गाइड करना तो टीचर ही ये कर सकती है, टीचर ही मदर की जगह हो सकती है। बच्चों ने यहाँ पे खेला म्यूज़िकल चेयर, और म्यूज़िकल चेयर ही तो हमेशा ही बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट का ज़रिया होता है बच्चों के लिए, तो छोटे छोटे बच्चों के लिए समझना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, और काफ़ी इन्जॉय किया बच्चों ने। उसके बाद मुझे पिक्चर्स रिसीव हुई स्टेज की और बच्चों की, और मैं बहुत खुश थी कि बच्चों ने आज का दिन भरपूर इंजॉय किया। और फिर बच्चे घर आए, और घर आकर उन्होंने मुझे बताया कि हमने क्या क्या खाया और कैसे कैसे इंजॉय किया। तो मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू करूँगी स्टाफ का और टीचर्स का और सब का जिन्होंने बच्चों को इतना भरपूर इंजॉयबल डे दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हमारे बच्चों के लिए इतना सब टीचर्स करती हैं, तो टीचर्स को भी ट्रिब्यूट पेश होना चाहिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।